ओके हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसमें हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट एब्जॉपन एंड कैटलिस्ट को ही हम आगे को कंटिन्यू करेंगे ओके okay? देखिए एंड कैटलिस्ट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी थ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ आज हम आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ फोर्थ लेक्चर लेक्चर पे और आज के इस फोर्थ का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है आज हम बात करेंगे ओके तो एक बार देखिए जब हमने लेक्चर नंबर थर्ड डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने आपको एड्पन आइसोथम का कॉन्सेप्ट बताया था कि एड्सॉप्शन आइसोथम आपको क्या बोलता है हमने क्या बोला था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स अगर आपकी एड्सॉप्शन की प्रोसेस आइसो थर्म मतलब क्या बोला था आइसो मीन होता है कॉन्स्टेंट थर्म मतलब होता है टेम्परेचर अगर आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस

प्रेशर ओके okay. तो अगर हम लोग एड्सॉप्शन आइसोथर्म करा रहे हैं तो टेचर को तो क्या कर ले रहे? है ना तो होगा प्रेशर तो की वैल्यू कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर की वैल्यू जो प्रेशर है वो आपके एड्सॉप्शन को अफेक्ट करता है इतनी चीज क्लियर आई तो हमने क्या देखा था प्रेशर एड्सॉर्पन को कैसे अफेक्ट करता है तो हम जनरली एड्सॉर्पन को एब्जॉर्ब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में x डिवाइडेड बाय m से लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ये डिनोटेशन किसके लिए होता है आपके एड्सॉर्प्शन के लिए होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने अमाउंट का आपका का एड्सॉर्प्शन हुआ है ओके तो हमने देखा था कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में X डिवाइडेड बाई M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रेशर के यानी कि जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा ये चीज हमने देखी थी समझ में आया लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम आइसोथर्म की बात कर रहे हैं यानी कि टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं इतनी चीज आपको समझ में आई ओके अब देखो अब आगे बात करते हैं हमने एक और चीज में आपको दो पॉइंट वापस से याद दिलाती हूँ हम जो प्रेशर की बात यहाँ पर कह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे प्रेशर दो टाइप के होते थे याद है दो टाइप के कौन से प्रेशर होते थे एक होता था आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर एक होता था आपका सेचुरेशन प्रेशर तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होता है हमने देखा था कि जब भी आप x डिवाइडेड बाई m यानी कि मैं आपको यहाँ पे कहीं खाली स्पेस पे अगर हम कुछ ग्राफ देखें कुछ ऐसा ग्राफ देखें किसके करस्पॉन्डिंग एड्सॉप्शन आइसोथम की करस्पॉन्डिंग तो है जिसमें आपके वर्टिकल कोऑर्डिनेट पे होता है x डिवाइडेड बाई m और आपके होरिजेंटल कोऑर्डिनेट पे होता है प्रेशर यानी कि यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि कितने अमाउंट का आपका क्या हो रहा है एड्सॉप्शन हो रहा है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना आप प्रेशर ले रहे हैं यानी कि प्रेशर आपके एड्जॉप्शन को कैसे अफेक्ट कर रहा है और टेम्परेचर

हमने बोला x डिवाइडेड बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर यानी कि जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही आपका क्या बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा इतनी चीज क्लियर आई लेकिन हमने एक पॉइंट ऐसा भी देखा जहां पे हमने प्रेशर तो बढ़ाया लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया कांस्टेंट आप देख सकते हैं अगर मैं ये प्रेशर का पॉइंट लूं यानी कि मैंने ये p स्टार ये पॉइंट को स्टार कर करके लिखा है अगर मैं इस प्रेशर की यहां पे बात करूं तो यहां पे आपका adsorption कुछ इतना है ओके लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के थोड़ा पॉइंट आगे को लेके गई प्रेशर को को थोड़ा सा मैंने अगर आगे को बढ़ाया तो आपको क्या देखने को मिला यहां पे सो तो सॉरी आपको क्या देखने को मिला प्रेशर तो आपने यहाँ पे बढ़ाया लेकिन आपका एड्सॉप्शन में कोई भी चेंज नहीं आया एड्सॉप्शन आपका एज इट इज रहा तो हमको क्या मिलता है ये प्रेशर के दो टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें दो टाइप के प्रेशर मिलते हैं एक होता है आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर और एक होता है आपका सेचुरेशन प्रेशर तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होता है इक्विलिब्रियम प्रेशर आपका वो प्रेशर होता है जिसके इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है आप देख सकते हैं यहां तक का जो प्रेशर था इसके इंक्रीज करने की वजह से आपका एड्सॉप्शन इंक्रीज हो रहा था यानी कि ये वाले रेंज में जो आपका प्रेशर है इसे आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर इतनी चीज क्लियर आई अब आगे बात करते हैं अब हमारा एक ऐसा प्रेशर भी आ रहा है जिसके बाद प्रेशर इंक्रीज करने पर भी आपका एड्सॉप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा वो मैंने रीजन आपको सेकेंड थर्ड लेक्चर पे ऑलरेडी बताया था यहां जैसे इतना बोल रही हूँ कि आपको एक पॉइंट एक प्रेशर का पॉइंट ऐसा भी मिल रहा है जहां पर प्रेशर इंक्रीज करने पर भी एड्जॉर्प्शन की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आ रहा तो इस टाइप के प्रेशर को बोला जाता है सेचुरेटेड प्रेशर और रिप्रेजेंट किया जाता है पी एस यानी कि अगर मैं इनको एक बार इरेज करके आपको दिखाऊं तो एक मिनट रुकिएगा देखिए मिनट देखिए यहाँ पे हमने क्या किया यहां पे हमारा प्रेशर बढ़ा था तो हमारा एड्सॉप्शन भी बढ़ा था तो ये जो प्रेशर है हमारा इसे आप बोलोगे इक्विलिब्रियम प्रेशर ओके लेकिन एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आ गया जिसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर भी देखो यहाँ आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो गया यानी कि अब आपकी एड्सॉर्प्शन की वैल्यू अगर बढ़ रही होती तो ये कुछ ऊपर की ओर जाती लेकिन कब यहां पर को क्या हो गया आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो गया यानी कि यहां आपने प्रेशर तो बढ़ाया लेकिन एड्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो गई आपकी कॉन्स्टेंट हो गई तो इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इससे आप बोलोगे सेचुरेटेड प्रेशर तो आपको सेचुरेटेड पॉइंट तो पता है ना सैचुरेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद कुछ भी होना मतलब सारी चीजें स्टॉप

यहाँ पे आपका प्रेशर मॉडरेट था बीच का था लेकिन यहाँ पे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ गया यानी कि जब आपने प्रेशर की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दिया उस केस में क्या हो जाएगा आपका प्रेशर क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है जब आपकी प्रेशर की वैल्यू क्या होती है बहुत ज्यादा जब आप प्रेशर की बात करते हैं तो हाईर प्रेशर में आपका जो प्रेशर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं लेकिन आपके एड्सॉप्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा ठीक है तो सब चीजें आपकी कॉन्स्टेंट हो जाती है इतनी चीज क्लियर आई तो ये बात हमने कहा की थी हमारे थर्ड लेक्चर में इससे पहले

थर्ड लेक्चर पे डिस्कस कर ली थी आज के लेक्चर पे हम किसके बारे में बात करेंगे लैंगम्योर एड्जॉप्शन आइसोथम ओके और इसके अलावा एक तीसरी थ्योरी भी होती है जो आपके एड्जॉप्शन आइसोथम पर बेस्ड होती है वो होती है बैट थ्योरी वो थ्योरी होती है ये दोनों थ्योरी नहीं है वो एक थ्योरी है उसमें आपको थियोरेटिकल पोर्शन देखने को मिलेगा तो एक तीसरी भी होती है जो एड्जॉप्शन आइसोथम को एक्सप्लेन करती है वो होती है बेड थ्योरी ठीक है तो अभी हम पर्टिकुलरली आज के लेक्चर पे बात करने वाला है लैग्मी और एड्जॉप्शन आइसोथम्प है इतनी चीज क्लियर आई अब देखो स्टार्ट करते हैं लैग् और एड्जॉप्शन आइसोथम क्या पहली चीज सुन लीजिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा थ्योरी भी देखने को मिलेंगी पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी लेकिन बहुत ज्यादा आसान है जो सुनेगा डेफिनेटली क्लियर आएगा ठीक है तो देखिए पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है ठीक है तो सबसे पहले बोला गया है कि जो लैग् और एडजोप्शन आइसोथम का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ द लैंग् और एड्जॉप्शन आइसोथम Is given by आपके एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगम्योर तो कॉन्सेप्ट दिया था और कब दिया था वो भी लिख लीजिएगा 1916 में ये दिया गया था इतनी चीज क्लियर आई अब देखो सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है मेजर अजम्पन ओके अब देखो ना यहाँ पे आपने भी पढ़ना है तो मैं आपको एक बार पहले लेके चलती हूँ देखो ना जब हमने लेक्चर नंबर थर्ड था लेकिन कौन सा पढ़ा था एड्पन आइसोथम तो मैंने आपको फ्रेंडलिक एड्जॉप्शन आइसोथम की कुछ लिमिटेशन भी बताई थी हमने लिमिटेशन जब डिस्कस की थी तो पहली लिमिटेशन हमारी क्या बनती थी ये बनती थी कि जो आपके फ्रेंडलिक थे इन्होंने एडजॉप्शन आइसोथम को तो एक्सप्लेन किया इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप

इस वजह से ये limitation यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी तो वही चीज़ हमने है कि Langmion ने अपने है। तो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सुनेगा? बोल रहा है is always जो आपका एड्पन होगा वो हमेशा मोनोलेयर होगा तो बताइए मोनोलेयर का क्या मतलब मोनोलेयर का मतलब देखो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया इस स्ट्रक्चर में ये जो है ये जो टुकड़ा है ये आपका किसका टुकड़ा है सॉलिड का टुकड़ा है यानी कि ये आपका कोई एड्प है यहां पे आपके पास क्या होंगी एक्टिव साइट होंगी आप देख सकते हैं ये जो होल बना है ये आपकी एक्टिव साइट है यहाँ पे आपके एड्जॉर्बेट ऑक्युपाई होंगे बैठेंगे ठीक है लेकिन कितने एड्सॉर्बेट बैठेंगे जितनी आपकी एक्टिव साइट है देखो वन टू थ्री फोर फाइव एक्टिव साइट है तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एड्सॉर्बेट यहाँ पे एब्जॉर्बेट किसके होंगे जो मॉलिक्यूल है वो किसके होंगे आइधर गैस के होंगे आइधर लिक्विड के होंगे तो सपोज करते हमारे ये जो मॉलिक्यूल है वो गैस के मॉलिक्यूल है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास पांच एक्टिव साइड है सॉलिड के पास तो पांच ही गैसेस मॉलिक्यूल इसको ऑक्युपाई करेंगे तो बची हुई गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगी बाहर ही रहेंगी ऐसा नहीं कि आपने देखो इस मॉलिक्यूल को यहां बैठा दिया आपका एक मॉलिक्यूल यहां पर बैठ गया ठीक है देखिए

मोनोलेयर बनानी एक सिंगल लेयर बनानी है इतनी चीज क्लियर आई तो इनका पहला एजम्पन था कि आपका एड्सन ऐसे होगा कि आपका सिर्फ मोनोलेयर फॉर्म हो यहाँ पर मल्टीलेयर फॉर्म नहीं होगा ठीक है सेकेंड एजम्पन क्या था

एक्टिव साइट्स ठीक है मैं एक्टिव साइट बनाऊं तो ये देखो ये एक एक्टिव साइट होगी दूसरा एक्टिव साइट तीसरा चौथा पांचवा पांच एक्टिव पा, साइट्स थे तो ये पांच एक्टिव साइट की जो एक्टिविटी होगी या फिर आप बोल सकते हो इनकी जो टेंडेंसी होगी आपके इन मॉलिक्यूल को गैसीयस मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वो इक्वल होगी होमोजेनियस मतलब क्या होता है सेम होमोजीनियस मतलब सेम हाइड्रोजीनियस मतलब डिफरेंट तो यहाँ पे जो आपके सॉलिड सरफेस में जो एक्टिव साइट कि सारे ही मॉलिक्यूल एक अमाउंट के अट्रैक्शन फोर्स से क्या होंगे यहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे समझ में आए यानी कि होमोजीनियस मतलब ये चीज बोला गया है जैसे आप इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर को क्या है ये आपके एक्टिव साइट्स हैं ठीक है देखिए यहाँ पे को ये आपकी क्या है एक्टिव साइट्स हैं ये रेड वाली ब्लू वाली ये सब एक्टिव साइट्स हैं जहां डॉट लगा है बट ये वाली एक्टिव साइट्स क्या है ऑक्यूपाइड है इनमें क्या है कोई गैसेस मॉलिक्यूल आके बैठ गया तो हम बोल सकते हैं ये एक्टिव साइट आपकी क्या है इड है बट ये एक्टिव साइट आपकी अभी भी क्या है वैकेंट है लेकिन इन सारी एक्टिव साइट जितनी भी एक्टिव साइट यहाँ पर दी हुई है सबकी टेंडेंसी सबकी अट्रैक्टिव पावर क्या होंगी बराबर होंगी सब इक्वल अमाउंट पे ही अट्रैक्शन करेंगे ऐसा नहीं कि ये वाला एक्टिव साइड क्या होगा ज्यादा गैस मॉलिक्यूल को अपनी और अट्रैक्ट कर सकता है और ये वाला कम तो ऐसा होता तो यहाँ पे होमोजीनियस सिचुएशन नहीं बनती बन जाती ठीक तो है तो यहाँ होमोजीनियस है यानी कि सारी एक्टिव साइड के पास इक्वल एबिलिटी होगी इक्वल अट्रैक्टिव बोल सकते हो अट्रैक्टिव नेचर होगा आपके मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का इतनी चीज क्लियर है तो हम यहां पर को एक्टिविटी बोलते हैं कि इक्वल अमाउंट की एक्टिविटी होगी अब ये एक्टिविटी सेलेक्टिविटी में आपको ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ठीक है तो अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट आर नेक्स्ट टू द वन अनदर ओके तो ये बोल रहे जो ये आपके मॉलिक्यूलॉर्ब मॉलिक्यूल है एडजॉर्ब हो चुके हैं इन मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा यानी कि ये आपस में क्या है कोई भी खुसर फुसर नहीं करेंगी आपका एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठा है एक यहां बैठा है तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा ठीक है तो ये एक आपस में इंटरेक्शन से फ्री है कोई भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा अब देखिए अगला क्या बोल रहा हूं ये बोल रहा ईच एड्सॉर्बेंट हैज

सॉरी फ्रेंडली के केस में क्या बोला एक्स डिवाइडेड बाई एम जो होता है ये क्या बताता है कितने अमाउंट का एड्सॉप्शन हुआ ये एक्स डिवाइडेड बाई एम क्या है आपका अमाउंट ऑफ एड्जॉप्शन कितना अमाउंट का एड्सॉप्शन हुआ है तो वही चीज हो रहा है अगर आप ये अमाउंट ऑफ एड्सॉप्शन निकालेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा फ्रैक्शन अनकवर्ड यानी कि कितनी साइड आपकी अनकवर्ड है जिसको ऑक्यूपाई करना भी बाकी है साथ ही साथ प्रेशर यानी कि प्रेशर के साथ तो ये पहले से डिपेंड था लेकिन प्रेशर के अलावा आपका क्या है फ्रैक्शनल अनकवर्ड भी आपका एक फैक्टर है जो की एड्जॉप्शन को अफेक्ट कर सकता है अब कैसे करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो बहुत आसान है देखो अजम्पशन समझ में है बेसिक अजम्पशंस है अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ पर्टिकुलर डेरिवेशन पे तो देखो ये क्या बोल रहा है लैंगम्योर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का डेरिवेशन क्या होता है तो ये बोल रहा है लैंगम्योर सॉरी ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है लैंगम्योर अरे ये क्या बोल रहा है लेग्मि प्रपोज दैट प्रसियस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द सॉलिड सरफेस एंड गेट तो इन्होंने बोला लैंगम्योर ने क्या चीज ऑब्सोर्व की इन्होंने बोला जब भी आपके गैसिय मॉलिक्यूल यानी कि आपके एब्सोर्बेट जब भी कोलाइड करेंगे किसके साथ आपके के साथ यानी कि सॉलिड सर्फेस के साथ जैसे ही वो कोलाइड करेंगे तो वो सॉलिड सर्फेस में जो एक्टिव साइड्स है वहां जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे जैसे हमने देखा यह आपका सॉलिड सर्फेस है यहाँ आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल है तो सॉलिड सर्फेस में पांच एक्टिव साइड है तो वो पांचों एक्टिव

मिलेगा कि कुछ आपके गैसेस मॉलिक्यूल क्या है क्विकली इवेपरेट भी हो जाएंगी इवेपरेट भी हो जाएंगे मतलब जैसे मैंने बोला कि गैसेस मॉलिक्यूल बैठा तो यहाँ था लेकिन हुआ कि थोड़े टाइम बाद वो गैसेस मॉलिक्यूल इवेपरेट हो गया और बाहर निकल गया तो हम हमने क्या किया पहले तो एड्सॉप्शन देखा लेकिन बाद में हमने यहाँ पर को डिजॉप्शन भी तो देखा तो एडजॉर्प्शन और डिजॉप्शन यहाँ पर को क्या है साथ साथ चलते रहता है जिस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एड्जॉप्शन है वो एक टाइप का इरिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों साइड जा रही है ठीक है एड्पन भी हो रहा है डिजॉप्शन भी हो रहा है ठीक है अभी बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है बिटवीन द टू अपोजिट प्रोसेस ये आपकी दो अपोजिट प्रोसेस हो गए एक हो गया एड्जॉप्शन एक हो गया डिजॉप्श एड्जॉप्शन में गैसेज मॉलिक्यूल एड्सॉर्प हो रही है डिजॉर्प्शन में गैसेस मॉलिक्यूल क्या रही हो रही है डिजॉर्ब हो रही है यानी कि बाहर निकाल रही है तो इन दोनों प्रोसेस को ये क्या रही है साइमल्टेनियसली चलती रह रही है तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में यहाँ पे आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा यानी कि इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एक स्टैब्लिश होगा और उसी इक्विलिब्रियम के थ्रू हमको एक डेरिवेशन ऑप्टेन होगा जिसे आप बोलोगे लैंग्य और एडॉपशन आइसोता हम डेरिवेशन उसी के करस्पॉन्डिंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मिलेगी एक हमको ग्राफ भी मिलेगा ठीक है तो कैसे मिलेगा सुनिएगा आगे क्या बोल रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो ये बोल रहा है लेट बी द फ्रैक्शन कवर्ड बाय ये गैसेस मॉलिक्यूल अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आप क्या लिखेंगे लेट वन माइनस थीटा वन माइनस थीटा इज अ फ्रैक्शन कवर्ड बाय ये गैसेस मॉलिक्यूल मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने गैसेज मॉलिक्यूल ने

बट ये इक्वेशन हमारी कैसी आई उसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ आप जस्ट नीचे देखिए ठीक है यहाँ पे देखिए मैंने रफली लिखा हुआ है ताकि आपको ये चीज समझ में आए तो आप क्या लिखेंगे रिएक्शन देखो ये बोल रहा है सपोज ए आपका क्या है गैसिस मॉलिक्यूल है एस आपका सॉलिड सॉलिड की सरफेस सरफेस है, है? ठीक तो जब आपके गैसेस पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा गैसेस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होंगे और आपको क्या मिलेगा ए एस ए मतलब आपका क्या हुआ गैसेस मॉलिक्यूल आपके सॉलिड सरफेस पे ऑक्यूपाई हो गए तो सपोज इसे मैंने क्या बोला इस ये जो प्रोसेस चल रही है

ये गैस ए जो है इसका कितना प्रेशर है उस पर आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है मैं बताती हूं कैसे डिपेंड करता है देखो अगर आपके पास एक सॉलिड सर्फेस है और यहां आपके पास गैसिस मॉलिक्यूल है तो देखो अगर मैं इन गैसेज मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सर्फिस के क्लोज आ जाएंगे नियर आ जाएंगे ठीक है जितना ज्यादा गैसेज मॉलिक्यूल आपके सॉलिड सर्फेस के नियर आएंगे उतना ही जल्दी आपको यहाँ पर को एड्जॉप देखने को मिलेगा ये चीज आप समझ सकते हैं मैं आपको ऊपर लेके चलूं देखो ये आपके गैसेज मॉलिक्यूल था ये सॉलिड सर्फेस है अगर मैंने इन गैसेज मॉलिक्यूल में एक मिनट रुकेगा अगर मैंने क्या किया इन गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर ठीक है यहाँ पे देखिए अगर इन गैसेज मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने बाहर से क्या है प्रेशर लगाया तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड के क्लोज हो हो जाएंगे नियर हो जाएंगे नियर जितना ज्यादा के सर्फिस के नियर आपके गैसेज मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही जल्दी आपको एड्सॉप्शन देखने को मिलेगा समझ सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ आप एड्सॉर्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपको एड्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा तो मैंने यहाँ पे बोला की रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर ऑफ गैस ए जितना ज्यादा आपका

नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अगर मैं यहां पर बनाऊं

तो रेट ऑफ एब्सॉर्शन की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू आएगी तो देखो प्रेशर ऑफ गैस को तो हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया और वन माइनस थीटा आपका क्या ये है है ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंट साइट इन सॉलिड सर्फिस मैंने आपको ये चीज आगे भी तो बोली मैंने आपको क्या बोला आप पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आप एक काम कर लीजिएगा यहाँ पर फ्रैक्शन अनकवर्ड बोलिएगा और इसको क्या बोलिएगा कवर्ड बोलिएगा प्लीज इसे सही कर लीजिएगा ठीक है तो हमने क्या बोला कितना एरिया आपका अनकवर्ड है कितनी वैकेंट साइट आपकी बची हुई है उसे आपने किससे रिप्रेजेंट किया वन माइनस थीटा से रिप्रेजेंट

आसानी तो से आप आगे की चीजें कर लेंगे, ठीक है? समझ में कि rate of adsorption दो फैक्टर पे करता है, ये आपका ने भी बताया था कि कितनी आपके पास वैकेंट साइड है और कितना प्रेशर है तो वैकेंट साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन माइनस थीटा से और आपका प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेट ऑफ एड्सॉर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन माइनस थीटा इंटू प्र ओके okay. अब रेट ऑफ डिसोप्शन देखेंगे तो रेट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना सरफेस आपका एड्सॉर्ब है या फिर आप बोल सकते हो कवर है क्योंकि जितना सरफेस आपका कवर होगा उससे ही तो होगा देखो अगर आपका सरफेस पर इतना कवर है तो डिसप्शन भी इन्हीं सर्फिस से होगा जो आपकी वैकेंट है उससे तो डिसऑप्शन होने से रहा डिस किससे होगा जो एरिया जो साइट आपकी कवर है वही गैसे मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेंगे ना तो हमारा जो रेट ऑफ डिसोप्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा कितनी साइड आपकी कवर है तो कवर्ड साइड साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अब रेट ऑफ डिसऑप्शन में आपका प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर लगाने से आपका क्या डिसऑप्शन तो बढ़ेगा नहीं ठीक है तो हमारा क्या होता है रेट ऑफ डिसऑप्शन क्या है प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है तो अब आप सिंपली बोल सकते हैं यहां पे आपको दो इक्वेशन देखने को मिली फर्स्ट वन इज रेट ऑफ एड्सॉप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन माइनस थीटा इन टू पी और रेट ऑफ डिजॉप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ओके अब यहाँ पर वही चीज वापस से लिखी कि थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी टोटल सरफेस आपका कवर्ड है बाय गैसेस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल और वन माइनस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेक देरिया या फिर आप बोल सकते हो अनकवर्ड साइड ओके इतनी चीज क्लियर आई तो ये दोनों आपको इक्वेशन मिली अब देखो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं ये बोल रहा है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमने लिखा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को उसने क्या लिखा आर ए जैसे मैंने बोला था हम इसे आरए से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने बोला आर एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन माइनस थीटा इंटू पी और यहां से अगर ये के मतलब ये डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो हमको कॉन्स्टेंट मिलेगा जो है हमारा के वन तो हमने क्या लिखा आर डी इज इक्वल टू के वन इंटू वन माइनस थीटा इंटू पी तो ये हमको एक इक्वेशन मिली यहाँ पे लिखा हुआ है के वन आपका पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट है और आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेक द सर्फेस

सरफेस पे डिपेंड करता है तो ये दो इक्वेशन हमको यहाँ पे ऑप्टेन हो गई अब देखो आगे क्या बोल रहा है अब देखो हमको ये चीज पता है कि हमने क्या बोला ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम हो रहा है किसके बीच में एड्सॉप्शन एंड डिसोप्शन के बीच में तो हम क्या कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि ये आपकी एड्सॉप्शन की वैल्यू कहां? ये आपकी एड्सॉप्शन है आरडी कर दिया ये आपका रेट ऑफ एड्सॉप्शन है ये आपका रेट ऑफ डिसोप्शन है तो ये दोनों आपकी क्या होंगी इक्वल होंगी अगर आपका एड्सॉप्शन और डिसोप्शन एक दूसरे के में है तो रेट ऑफ एड्सॉप्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉप्शन तो हम क्या कह सकते हैं देखो यहाँ पर लिखा है एट इक्विलीप्रियम रेट ऑफ एड्सॉप्शन किसके इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिसन के इक्वल हो जाएगा तो रेट ऑफ एड्सॉप्शन क्या है रेट ऑफ एड्पन है आपका के वन इंटू वन माइनस थीटा इंटू पी तो हमने लिखा है के वन इंटू वन माइनस थीटा इंटू पी और आपका रेट ऑफ डिस किसके इक्वल है के टू इंटू थीटा तो हमने लिखा है के टू इंटू थीट

के वन इंटू वन माइनस थीटा इंटू पी ये हमको पता चल गया कहां से आया और हमको पता है रेट ऑफ डिसन किसके इक्वल है आपकी कितनी कवर्ड साइट है तो हम बोल सकते हैं के टू इंटू थीटा तो ये आपका क्या है रेट ऑफ एड्सॉप्शन आर ए और ये है आपका रेट ऑफ डिसऑप्शन आर डी इतनी चीज क्लियर है ये दोनों इक्वल हमको पता चल गया ठीक है थीके? अब ये बोल रहा है यहाँ पे आपका K1 और K2 आपके क्या है एडजॉर्प्शन और डिसऑप्शन कांस्टेंट है ये भी हम समझ गए क्योंकि हम आगे बहुत सारा समझ चुके हैं तो हमने ये इक्वेशन कहां से आई अब हम ये सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं ठीक है अब देखो अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो देखो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि एट इक्विलिब्रियम आपको पता है इक्विलिब्रियम में क्या होगा रेट ऑफ एड्सॉप्शन किसके इक्वल चले जाएगा रेट ऑफ डिसन के इक्वल चले जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हमारे क्या हो गए ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या होगी इक्वल हो गई तो वही चीज यहाँ पर लिखी है देखिएगा ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक मिनट हाँ ये क्या बोल रहा है देखो ये बोल रहा है के वन इंटू वन माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू के टू थीटा अब देखो इसी इक्वेशन को ये इक्वेशन हमने नीचे ऑप्टेन की थी ना डिराइव तो कर ली इक्वेशन दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो हमको ये मिलेगी रेट ऑफ किसके इक्वल थी के वन इंटू वन माइनस थीट इंटू पी और रेट ऑफ डिजॉपन किसके इक्वल टू के टू इंटू थीटा ठीक है अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करके ये बनाना है कैसे बनाएंगे देखो बहुत आसान है अब देखो अब आपने क्या करना है अब आपने कुछ नहीं करना ये जो आपको इक्वेशन मिली है इससे आपने सॉल्व करना है कैसे अब आप यहां पर के वन पी की वैल्यू निकालेंगे अब देखो के वन

K2 और यहाँ पर क्या बचा के तो आपको क्या मिला के वन पी इज इकल टू ठीठा ब्रैकेट में के टू प्लस के वन पी तो ये समझ में आया अब आप क्या करेंगे कुछ नहीं करना अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा आपको चाहिए तो आप बोलोगे थीटा थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा ये थीटा होगा आपके देखो इस थीटा को आपने निकालना है तो आपको क्या मिलेगा और के और के के डिविजन में आपकी कौन सी वैल्यू जाएगी ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी अगर आपको थीटा चाहिए तो आपको क्या मिलेगा के टू प्लस के वन पी इतनी चीज क्लियर आई अब देखो अब थीटा की

ये बोलते हैं जो आपका के वन अपॉन के टू होता है इसकी वैल्यू बी के इक्वल होता है यहां पे आपका कॉन्स्टेंट होता, होता है तो आपने क्या करना है के वन अपॉन के टू को किसके इक्वल रख देना है बी के तो अब मैं क्या कर सकती हूँ देखिए यहाँ पे आपका के वन है यहाँ पे आपका के टू है तो इसके बदले में यहाँ पर को मैं क्या ऐड कर सकती हूँ बी ऐड कर सकती हूँ और देखिए यहाँ पे आपका के टू है और यहाँ पे आपका तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ ये देखिए ये आपका केवन है ये आपका के टू है ऊपर केवन नीचे के टू तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ बीके एक बार रख सकती हूँ तो मैंने इन दोनों की प्लेस में यहाँ पर बी को पुट करना है सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास के टू है और यहाँ पर मेरे पास केवन है तो मैं क्या कर सकती हूँ के टू और केवन को किसके इक्वल रख सकती हूँ वन माइनस बी अगर केवन और K2 B के टू बी के इक्वल है तो K2 K1 के टू अपॉन केवन किसके इक्वल होगा वन माइनस बी के इक्वल होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ के टू अपॉन के वन को किसके इक्वल लिख सकती हूँ वन माइनस के इक्वल लिख सकती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी अब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे आपके पास बचेगा पी और यहाँ पे बचेगा बी तो हम बोल सकते हैं बीपी ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका वन आपका एज इट इज है वन के साथ आपका बी है और आपकी कैप पी है तो हमारा थीटा किसके इक्वल बना बीपी डिवाइडेड बाई वन प्लस बीपी तो ये इक्वेशन आपको ऑप्टेन हो जाती है सपोज इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देते हैं इक्वेशन एक्स ओके अब इस इक्वेशन में आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है अब ये थीटा कहाँ से आएगा देखिए बहुत आसान है देखो हमको पता है कि द अमाउंट ऑफ गैस एबजॉर्ब ऑनफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा ठीक है यानी कि ये बोल रहा है कि कितना अमाउंट का आपका एबजॉर्प्शन हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है थीटा पे डिपेंड करता है तो कितने अमाउंट के एड्सॉर्प्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने पहले भी देखा है कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स डिवाइडेड बाई एम से तो हम बोल सकते हैं कि एक्स डिवाइडेड बाई एम सॉरी हम बोल सकते हैं कि एक्स डिवाइडेड बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ठीक है अब देखो अगर मैं का हा, हाँ, तो मेरे पास कॉन्स्टेंट भी आ गया है के टू भी आ गया हमने दोनों यूज कर लिए अब बच, क्या बचा हमारा के थ्री तो मैं यहाँ पर को कौन सा कॉन्स्टेंट लूंगी के थ्री तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि के वन के सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई एम Is to K3 theta, okay? अब यहाँ से हमें चाहिए तो मैं इस के थ्री को यहाँ भेजूंगी तो के थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिविजन में चले जाएगा तो इज इक्वल टू क्या होगा एम और डिवाइडेड बाई मिलेगा के थ्री तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पे ऑप्टेन हो गई अब आप यहाँ से इस थीटा की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन को मैं वाई बोल देती हूँ इस वाई इक्वेशन की वैल्यू को आपने पुट करना है एक्स में यानी कि थीटा की प्लेस में एक्स डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई एक्स थ्री को रखना है अब देखो क्या होगा

हो गए अब इस इक्वेशन से हम फाइनली अपनी लेग्न्यर एडजॉर्पन आइसोथम की इक्वेशन बनाएंगे कैसे बनाएंगे अब यहाँ पर हम एक और कॉन्स्टेंट यूज करेंगे जो आपका क्या होगा ए जैसे मैंने आपको ऊपर भी बोला ठीक है बी का हमने यूज कर दिया अब नया कॉन्स्टेंट आएगा ए तो ये बोर्डर जो आपका कॉन्स्टेंट ए होता है वो किसके इक्वल होता है थ्री इंटू बी यानी कि जब आप के थ्री इंटू बी को आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब कर दोगे दोनों आपके ही हैं, तो आपको एक आपस में तो मल्टीप्लाई तो में, में है तो हम क्या कह सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू इसके प्लेस में क्या आ जाएगा ए ए इंटू पी डिवाइडेड बाई वन प्लस बी पी तो ये इक्वेशन जो आपको मिलती है दिस फाइनल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लेग्म्यड्सॉर्प्शन आइसोथम तो ये इक्वेशन आपका क्या होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है M देखो हमको पता है कि हमारा जो ये दोनों आपकी जो एड्पन आइसोथम के कॉन्सेप्ट है ये एड्सॉप्शन आइसोथम को तो रहे हैं हमने पहले भी आपको बोला कि एड्सॉप्शन आइसोथम को एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आए हैं लेगम्योर और फ्रेंडली तो दोनों आपके जो दोनों साइंटिस्ट है ये एड्सॉप्शन ये जो आपकी इक्वेशन है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो देखो इसी इक्वेशन को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो ठीक है कैसे लिख सकते हो एक्स डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू ए पी डिडेड बाई वन प्लस बीपी इसका मतलब क्या है अगर हम देखें ये आपके क्या है सारे कॉन्स्टेंट ही तो हैं और अगर आप कॉन्स्टेंट को हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्सएम डिड एक्सएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जो कि किसकी इक्वेशन है एड्सॉर्न आइसोथम की इक्वेशन है होप आपको इतना क्लियर आएगा ठीक है अब देखो हमने अपनी फाइनल इक्वेशन तो निकाल ली अब हमने क्या करना है इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी प्लॉट करना है क्यों ग्राफ हम प्लॉट करते हैं हमको क्या है यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यूज चाहिए ठीक है ए और बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी तो सुनिएगा देखो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ देखो ये बोल रहा है अब हमने क्या करनी है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए और बी ठीक है तो कैसे कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बोल रहा है हमने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो अगर हम लोग रीअरेंज द अब लैंग्वे और इक्वेशन को अगर हम रियज रीअरेंज करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखने को मिलेगी कैसे मिलेगी तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई वन प्लस बीपी ये हमारे पास थी अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ जो हमारा प्राइस

p डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय m बोलू तो होगा क्या अगर मैं इसे उल्टा करूंगी तो ये भी उल्टी हो जाएगी तो बचेगा क्या हमको मिलेगा p डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू क्या होगा ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी यानी कि 1 ऊपर आ जाएगी इसके डिवीजन में क्या है a तो 1 डिवाइडेड बाय a बीच में लगेगा प्लस का साइन प्लस हमारा क्या हो जाएगा b तो हमारे पास क्या है b और डिवाइड में क्या है a तो b डिवाइडेड बाय a इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा प्रेशर तो ये जो इक्वेशन हमको ऑब्टेन हुई ये हमारी क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अब इससे हमको एक ग्राफ देखने को मिलेगा जिससे हम क्या हमारे कॉन्स्टेंट ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो कैसे निकालेंगे देखो ये बोल रहा है आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी आपकी पी डिवाइडेड बाई एक्स एम ये आपके वर्टिकल

p divided by x divided by m ठीक है ये x divided by m भी है किसके अगेंस्ट p के अगेंस्ट तो हमको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहां पे जो आपका स्लोप है वो किसके इक्वल है आपके कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय a के इक्वल है और इंटरसेप्ट a डिवाइडेड बाय सॉरी 1 डिवाइडेड बाय a के इक्वल है तो यहां पर देखिए बड़ा से मैंने यहां पर प्रेजेंट किया है तो देखो ये क्या आपका वर्टिकल ये है आपका एक मिनट ये आपका वर्टिकल ये आपका हॉरिजेंटल वर्टिकल में आपने प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एम लिया और आपने पे क्या लिया लिया प्रेशर तो इनके जब आपने करस्पॉन्या चलोगे तो आपको एक इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके कॉन्स्टेंट वन डिवाइडेड बाई ए के इक्वल है तो इस इंटरसेप्ट की हेल्प से क्या आप अपने कॉन्स्टेंट वन डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको एक स्लोप देखने को मिलेगा ये जो स्लोप होगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके दूसरे कॉन्स्टेंट बी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल होगी तो यहां से A की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ आप पुट करेंगे तो यहां से आपको बी की वैल्यू भी ऑप्टेन हो जाएगी तो ऐसे हम हमारे दोनों कॉन्स्टेंट ए और बी के लिए वैल्यू भी निकाल सकते हैं ठीक है इतनी चीज क्लियर आई तो ये ग्राफ हमको यहां पर देखने को मिलता है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिखा था अब, अब ग्राफ ये जो पूरा ग्राफ है इसमें जो आपको स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन होती है लैंग्वे और एड्सॉप्शन आई सुतम तो ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला जो हमारा आई है हमको ये जो इक्वेशन मिली है ये हमारी किसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है लैंगमे और एड्जॉर्प्शन आइसोथम की इतनी चीज क्लियर आई तो ये ही चीज हमने करनी होती है तो हमने सिंपली क्या किया लैंगमे और एड्जॉर्प्शन आइसोथम के एजम्पन देखे साथ ही साथ हमने इसके लिए डेरिवेशन देखा पूरा डेरिवेशन मैंने आपको शो किया डेरिवेशन करते करते हमको एक फाइनल इक्वेशन ऑप्टेन हुई जो थी हमारी लैंगमे और एड्जॉर्प्शन की अब अगर हमको इक्वेशन ऑप्टेन हुई तो हमको यहाँ दो कॉन्स्टेंट मिलती है एक होता है ए ए होता है एक होता है आपका बी इन दोनों की वैल्यू हमको पता है स्ट्रेट लाइन कर्व से होता है तो उसके लिए पहले हमने स्ट्रेट लाइन निकाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाली और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हमने यहाँ पर को दो वैल्यू निकाली इंटरसेप्ट और स्लोप की जो कि किसके इक्वल है हमारे कांस्टेंट के अब हमने इतना सारा तो काम कर दिया अब लास्टली हम एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वो है इनकी लिमिटेशन तो इनकी लिमिटेशन क्या होती है

कांस्टेंट uh, है इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी लेसर <coughs> होगी बहुत ज्यादा कम होगी किसके कंपेयर में वन और ये भी आपको पता है अगर लो प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू वहां पर बहुत डाउन होगी यानी कि बहुत कम होगी तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं नेग्लेट कर सकते हैं अगर ये वैल्यू आपकी पूरी नेग्लेट है तो वन की तो कोई मतलब ही नहीं हुआ तो ये नीचे का पोर्शन आपका पूरा नेग्लेट हुआ आप क्या बोल सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए इंटू और ए आपको पता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां परिटी साइन आ जाएगा तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगी एक्स इज एक्स एम डिवाइडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि आपका जो अमाउंट ऑफ है एक्सटेंट ऑफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर तो हमको पता है कि जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा एड्सॉप्शन बढ़ेगा तो ये इक्वेशन हमारी किसकी रहती है लो प्रेशर की रहती है तो ये बात तो हमारा बिल्कुल ठीक है तो लो प्रेशर में ये तभी हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन लो प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है ओके okay? लेकिन हायर प्रेशर पे फेल हो जाती है क्यों होती है क्योंकि ये बोल रहा है हायर प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो हाई प्रेशर में क्या होता है एक्स वो इक्वेशन लिखी है एक्स डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू ए पी डिडेड बीपी अब होता क्या है हाई प्रेशर पे आपका ये जो प्रेशर है वो वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा होगी तो हम बोल सकते हैं बीपी इज ग्रेटर देन तो ये ग्रेटर यानी कि बहुत ज्यादा ग्रेटर है one से बहुत ज्यादा बड़ी है इट मीन इस वैल्यू को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि एक्स एम इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके इक्वल है आपके कॉन्स्टेंट के इक्वल है ये वैल्यू अगर आपकी कट ही नहीं रही है तो आपका एक्स डिवाइडेड बाई एम किसके इक्वल है आपके कॉन्स्टेंट

हो जाता है इतनी चीज क्लियर आई तो ये इसका क्या एक ड्रॉबैक बन जाता है कि ये जो ये जो इक्वेशन है वो लो प्रेशर पे तो एप्लीकेबल है बट हाई पे एप्लीकेबल नहीं है ठीक है नाउ अगले पे आ जाते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहा है दूसरा लिमिटेशन क्या है ये बोल रहा है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ए मोनोलेयर तो हमने पे पढ़ा था कि आपका जो लैंग्वेन आइसोथर्म है वो बात करता है कि यहां जो होगा होगा मोनोलेयर तो ये बोल रहा है कि मोनोलेयर होना ये जरूरी नहीं है आपको पता है एड्जॉप्शन क्या होता है मल्टीलेयर भी हो सकता है लेकिन ये वाला जो एड्प्शन ये जो ये वाला जो आपका आइसोथर्म था ये इस एजम्शन पे बेस्ड था कि यहाँ जो आपका एड्जॉप्शन होगा वो मोनोलेयर होगा तो ये चीज भी यहाँ पे एक ड्रॉबैक बन जाती है कि सिर्फ मोनोलेयर की इन्होंने बात की

इस एड्प्शन में ये भी नहीं बताया किट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो किस और सर्फेस एरिया में कैसा रिलेशनशिप है ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करता है हीट ऑफ एड्सॉप्शन और सर्फेस एरिया कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करता है इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था भाई आपके एड्सॉप्शन आईसुथम कौन सा लैग् और एड्सॉप्शन आईसोथम तो ये सारी इसकी क्या बन जाती है लिमिटेशन ठीक है तो होप आपको ये चीज क्लियर आएगी बस इतना सा पोर्शन है आपके लैग् और एड्सॉप्शन आईसोथम का ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं हमने हमारे दोनों एड्सॉप्शन आईसोथम कवर कर लिए बैट थ्योरी जो है वो भी आपके एड्जॉप्शन आईसोथम में ही आती थी बट बैट थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ हमने आगे सर्फेस केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ी थी तो वो बैट थ्योरी मैं आपको एड करवा दूंगी बाकी आई थिंक यहाँ तक हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या फिर एक टॉपिक आई थिंक अभी भी बचा हुआ इस यूनिट के अंदर तो उसको भी हम कवर कर लेंगे तो होप आपको लेक्चर क्लियर आया होगा तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करता है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय